Normal conversation involves, एक normally जब आपस में आप बातचीत कर रहे हो इनवॉल्व साउंड इंटेंसिटी हमारी गिवन है सबसे पहले गिवन डेटा गिवन डेटा में इलेवन पॉइंट वन में क्या चीज गिवन है जनाब आपके पास साउंड इंटेंसिटी गिवन है साउंड इंटेंसिटी आपके पास मेरा बेटा जी बेटे मैं लेट हो गया उसके लिए माजरत भी कर चुका हूँ जनाब कोई और रुकम है मेरे लिए वो भी बता दें थ्री पॉइंट जीरो मल्टीप्लाइब की पावर माइनस एट वॉट पर मीटर स्क्वेयर थ्री पॉइंट जीरो मल्टीप्लाइब है टेनरेज पावर माइनस सिक्स वॉट पर मीटर स्क्वेयर सॉरी ये इंटेंसिटी है वट इज द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी डेसिबल लेवल ऑफ दिस इंटेंसिटी का मतलब हमसे पूछा गया है साउंड इंटेंसिटी लेवल मैं क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट अलहदा से सॉल्व करूंगा और सेकंड पार्ट अलहदा से साउंड इंटेंसिटी लेवल एल माइनस एल नॉट और वो पूछा गया जनाब डेसिबल में हमें ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी की वैल्यू भी पता है जिसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी जिसको हम I नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं जो आपके पास मेरा बेड होती है टेन रेस की पावर माइनस ट्वेल्व वॉट पर मीटर स्क्वायर, टेन रेस की पावर माइनस ट्वेल्व वॉट पर मीटर स्क्वायर, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द साउंड इंटेंसिटी लेवल और हमें जो चीज कैलकुलेट करनी है मेरा बेटा वो साउंड इंटेंसिटी लेवल है हमें जो चीज कैलकुलेट करनी है मेरी जान वो साउंड इंटेंसिटी लेवल है तो मेरे बेटे लेकिन ये तो बेल के लिए था अगर के की जगह पे टेन लिख दिया जाए तो हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल आ जाता है डेसिबल में अगर इसकी जगह पे आपके पास टेन लिख दिया जाए सिंपली एल माइनस एल नॉट ये तो हमें कैलकुलेट करना है टेन की जगह पे टेन आ गया लॉग आई की वैल्यू है थ्री पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाय टें पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय आपके पास आ रहा है मेरा बेटा आई नॉट जो कि टेन की पावर माइनस ट्वेल्व है आपको बड़े अच्छे से पता है कि अगर लॉगरिथम में डिवीजन आ रही हो मेरा बेटा एक नॉर्मल आपस में बातचीत करते हुए आपके पास साउंड इंटेंसिटी गिवन है आई की वैल्यू 3.0 पॉइंट जीरो मल्टीप्लाटन एक बार माइनस सिक्स वॉट पर मीटर स्क्वेयर वो कहता है व्हाट इज द डेसिबल लेवल ऑफ फॉर दिस इंटेंसिटी इस इंटेंसिटी के लिए इस इंटेंसिटी के लिए इस इंटेंसिटी के लिए साउंड इंटेंसिटी लेवल की वैल्यू डेसिबल में कैलकुलेट करके बताएं साउंड इंटेंसिटी नॉर्मल कन्वर्सेशन का मतलब आपस में जब हम बातचीत कर रहे होते हैं उसकी इंटेंसिटी गिवन है थ्री पॉइंट जीरो रेस की पावर माइनस सिक्स वॉट पर मीटर स्क्वायर और हमें कहा गया है कि इस इंटेंसिटी पे साउंड इंटेंसिटी लेवल एल माइनस एल नॉट कैलकुलेट करें और वो भी किस में कैलकुलेट करें मेरा बेटा डेसिबल में उसके बाद मेरा बेटा हमें फॉर्मूला बताओ उसका साउंड इंटेंसिटी लेवल का अगर डेसिबल में कैलकुलेट करना हो तो होता है मेरा बेटा एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू टेन लॉक आई ओवर आई नॉट और यूनिट आप लिखते हैं डेसिबल अगर बेल में हो तो टेन की जगह पे सिर्फ के आता था तो डेसिबल में पूछा गया तो मेरा बेटा जब डेसिवल में पूछा गया तो यह फॉर्मूला यूज करेंगे इस फॉर्मुले में यह चीज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास आई होना चाहिए आई नॉट होना चाहिए आई की वैल्यू गिवन है 3.0 पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बन रेस की पावर माइनस सिक्स वॉट पर मीटर स्क्वेयर बट I नॉट की वैल्यू I नॉट हमारे पास नाउन साउंड इंटेंसिटी है जिसकी वैल्यू मेरी जान आपके पास है 10 रेस की पावर माइनस ट्वेल्व वॉट पर मीटर स्क्वेयर पावर माइनस ट्वेल्व वर्ट पर मीटर स्क्वेर तो मेरे बेटे हमें क्या चीज कैलकुलेट करनी है हमें साउंड इंटेंसिटी लेवल निकालना है मैंने फॉर्मूला लिखा टेन की जगह पे टेन लॉग I की जगह पे मैंने लिख दिया मेरा बेटा 3.0 पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाई टेनरेज की पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय I नॉट था तो मैंने लिख दिया उसकी जगह पे 10 की पावर माइनस ट्वेल्व अब मेरा बेटा स्टेटमेंट समझ में आ गई स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट अभी हम कर रहे हैं ब्लर है वीडियो सर मैं अगेन मेरा बेटा ये चीज बता देता हूं हमारे पास नॉर्मल कन्वर्सेशन की साउंड इंटेंसिटी बताई गई है ग्यारह आशारिया एक नोमेरिकल और नॉर्मल कन्वर्सेशन ऑफ साउंड इंटेंसिटी ऑफ अबाउट आई की वैल्यू है थ्री पॉइंट जीरो मल्टीप्ला के ऊपर माइनस सिक्स वॉट पर मीटर स्क्वेयर और हमसे पूछा गया है वट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी मैं सिर्फ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं हमें डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी का मतलब साउंड इंटेंसिटी लेवल कैलकुलेट करना है और किस में कैलकुलेट करना है मेरा बेटा डेसीबल में सो so, मेरे बच्चे हमें ऑडिबल साउंड इंटेंसिटी जिसको हम आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं टॉपिक में वो वैल्यू हमें नाउन होती है ये हमें पता होती है कि कितनी होती है मेरा बेटा टेन रेज क्य माइनस ट्वेल्व वॉट पर मीटर स्क्वेर फॉर्मूला so, लिखते हैं साउंड इंटेंसी लेवल कैलकुलेट करने का डेसिबल में जो हमारे पास आ रहा है एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू टेन लॉग आई ओवर आई नॉट और साथ क्या आ रहा है मेरी जान डेसिबल आ रहा है एल माइनस एल नॉट में टेन की जगह पे टेन आ गया फॉर्मूले का लॉग आ गया आई की वैल्यू लिखी तीन थ्री पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है आई नोट तो ऊपर लिख दिया टेन की पावर माइनस ट्वेल्व ठीक है मेरा बेटा आप क्लियर है उसके बाद मेरे बच्चे टेन अब आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है कि अगर माइनस आ रहा हो या फिर डिवीजन आ रही हो लॉगोरेथम में तो मेरा बेटा उसके दरमियान माइनस आ जाता है आप लोगों ने चैप्टर नंबर थ्री आ, नाइन्थ क्लास में इस चीज के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं टेन लॉक थ्री पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाय टेन के पावर माइनस सिक्स माइनस लॉक टेन डे इसके पावर माइनस ट्वेल्व ठीक है मेरा बेटा जहां पे डिवीजन का साइन था मैंने वहां पे माइनस ले आया अब मेरा बेटा जहां पे अब देखो यहां पे मेरा बेटा जहां पे मल्टीप्लीकेशन हो वहां पे आप एडिशन ला सकते हैं जहां पे मल्टीप्लीकेशन हो वहां पे आप एडिशन ला सकते हैं सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कर अगर पावर हो तो पावर शुरू में आ जाती है इसमें मैं लिख सकता हूं लॉग थ्री प्लस लॉग टेन की पावर माइनस सिक्स माइनस पावर शुरू में आई माइनस ट्वेल्व और लॉक टेन लॉग टेन की वैल्यू क्या होती है जनाब लॉग टेन की वैल्यू हमारे पास क्या होती है मेरा बेटा वन होती है जहां पे मल्टीप्लीकेशन हो जहां पे मल्टीप्लीकेशन हो वहां पे मेरा बेटा आप प्लस लिख सकते हैं जहां पे मल्टीप्लीकेशन हो वहां पे मेरा बेटा आप प्लस लिख सकते हैं जहां पे मल्टीप्लीकेशन हो वहां पे मेरा बेटा आप प्लस लिख सकते हैं जहां पे मल्टीप्लीकेशन हो सो मेरे भी हमारे पास मैं इस चीज को लिख सकता हूं मेरा बेटा टेन इन टू लॉक थ्री मैंने वैसे रहने दिया अब माइनस सिक्स को जब मैं शुरू में लेके आऊंगा तो माइनस सिक्स प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा वैसे प्लस लिख देता हूं माइनस सिक्स में लेके आया तो इधर लॉक टेन आ रहे हैं इधर माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व आ गया लॉक टेन की जगह पे वैसे भी वन आ जाएगा प्लस ट्वेल्व इंटू लॉग टेन लॉग टेन की वैल्यू मैंने मेरा बेटा बताई वन होती है तो यहां पे आप टेन इंटू लॉग थ्री माइनस सिक्स लॉग टेन की जगह पे वन आया प्लस ट्वेल्व वैल्यू वन हो, होती है पावर शुरू में ही लोक टेन वैल्यू माइनस सिक्स इंटू वन माइनस सिक्स आ गया प्लस ट्वेल्व इंटू वन प्लस ट्वेल्व आ गया बारह में से छह को सब्टेक्ट कर देंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा पुत्र आपके पास जी मेरा बेटा तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं इसका एक और मेथड भी है अगर आप उसको और ज्यादा आसानी से करना चाहो तो इस तरीके से भी कहा जा सकता है बहुत लेंथी हो जाता है इस वे में तो मेरा बेटा आप इसको दूसरी तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं दूसरा मेथड मेरी जान आपके पास ये है कि आप माइनस ट्वेल्व को जब ऊपर शिफ्ट करेंगे टेन लॉक थ्री पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाय टेन के पावर माइनस सिक्स इंटू टेन की पावर प्लस ट्वेल्व बेसेम हो तो पावर्स ऐड होती है बारह में से 6 को सब करेंगे तो ये आएगा टेन लॉक थ्री पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई टेन की पावर प्लस सिक्स इस तरह से भी किया जा सकता है कि आप माइनस ट्वेल्व को ऊपर शिफ्ट कर दें तो वो जी आसान वाला बताया माइनस ट्वेल्व को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो प्लस सिक्स आ जाएगा तो हमें ज्यादा नहीं करना जाएगा तो मेरा बेटा अब इसको सिंपली ये करेंगे टेन आ गया log मैंने कहा था जब अगर आपके पास मेरा बेटा मल्टीप्लीकेशन आ रही हो तो वहां पे हम प्लस लिख सकते हैं तो मेरे बच्चे आप क्या करेंगे जब आप इसका लॉगरिथम लोगे 3.0 पॉइंट जीरो मल्टीप्लाइ टेन रेज की पावर 6 का तो मेरा बेटा वो आपके पास आ रहा होगा 64 6.47 डेसिबल 6.47 डेसिबल डायरेक्टली आप इसका लोग ले लें कैलकुलेटर से 6.47 डेसिबल आएगा अब 10 को 6.47 डेसिबल से मल्टीप्लाई करें तो बेटा हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा 64.7 डेसिबल ये आ गया आपके पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट साउंड इंटेंसिटी लेवल का इसको मैंने जितना शॉर्ट कर सकता था कर दिया अगेन मेरा बेटा थ्री पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाय टेन की पावर माइनस सिक्स प्लस ट्वेल्थ वो अगेन बन गया थ्री पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई बाय टेन के पावर सिक्स उसका मैंने लॉगरिथम लिया जिसकी वैल्यू आई सिक्स पॉइंट फोर सेवन तो मैंने टेन को जब सिक्स पॉइंट फोर सेवन के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर मेरे पास मेरा बच्चा बन गया सिक्सटी फोर पॉइंट सेवन डेसीबल तो आज का मेरे ख्याल में यहीं तक एक तो वीडियो ब्लर की वजह से शो हो गया थोड़ा मैं भी लेट हो गया तो कल इंशाल्लाह हम जो अपने न्यूमेरिकल्स हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे